बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिमन्यु सिंह तंवर सीएलसी सीकर से। दोस्तों आज मैं बैठा हूं विशन दयाल अग्रवाल जी के घर पर। विशन दयाल अग्रवाल जी नीम का थाना के रहने वाले हैं, पेशे से अध्यापक हैं। विशन दयाल अग्रवाल जी के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी है अंशु अग्रवाल और बेटा है आशीष अग्रवाल। आशीष अग्रवाल और अंशु अग्रवाल दोनों बच्चे सीएलसी से सिलेक्ट हैं। 2014 में दोनों बच्चों ने सीएलसी में पढ़ाई की थी। आशीष को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर मिला था और अंशु को आरयूएचएस जयपुर कॉलेज मिला था। आज मेरे साथ अंशु अग्रवाल और आशीष अग्रवाल के पापा विशन दयाल अग्रवाल जी मेरे साथ बैठे हैं, बच्चों की मम्मी बैठी है। ये है आशीष अग्रवाल जिन्हें कॉलेज मिला था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर। वो जो गुड़िया बैठी है उनका मैं परिचय दूं, उनका नाम है वर्षा अग्रवाल जिन्हें राजस्थान का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिला था। वर्षा अग्रवाल भी सीएलसी से पास आउट है। अंशु अग्रवाल और आशीष अग्रवाल तो सीएलसी से सिलेक्ट हैं, साथ में इनके मामा जी के बच्चे भी सीएलसी से सिलेक्ट हैं। जी हां, मैं एक बार सबका नाम लेना चाहूंगा, जो जो बच्चे सीएलसी में पढ़े और सीएलसी से सिलेक्ट हुए अग्रवाल परिवार के। सबसे पहले तो अंशु अग्रवाल जिन्हें कॉलेज मिला आरयूएचएस जयपुर, आशीष अग्रवाल जिन्हें कॉलेज मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर, आशीष और अंशु के मामा जी के बच्चे वर्षा अग्रवाल जिन्हें कॉलेज मिला एसएमएस जयपुर, वर्षा का भाई निखिल अग्रवाल जिन्हें कॉलेज मिला हिंदुस्तान का टॉप आईआईटी कॉलेज आईआईटी दिल्ली, वर्षा और निखिल अग्रवाल की बहन तनिषा अग्रवाल जिन्हें कॉलेज मिला एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, और एक नाम और रह गया राधिका बंसल जो भी सीएलसी सिलेक्ट है उन्हें कॉलेज मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़। नाम अभी लिए हैं, ये बच्चे तो सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी ये लिस्ट अभी और आगे बढ़ेगी क्योंकि विशन दयाल अग्रवाल जी के परिवार से अभी भी 7-8 बच्चे सीएलसी में पढ़ रहे हैं और उनका भी टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो आइए अब मैं सीधा ले चलता हूं आपको विशन दयाल अग्रवाल जी से, मुलाकात कराता हूं, इनके एक्सपीरियंस जानते हैं इतने सारे। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीएलसी में, आपके इतने बच्चे सिलेक्ट हुए टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट हुए, बेटा साथ बैठा है आशीष। दोस्तों अभी अभी शिंगू दयाल जी अग्रवाल हमारे बीच में आ गए हैं जिनका मैंने आपसे परिचय कराया, वर्षा अग्रवाल निखिल अग्रवाल तनिषा अग्रवाल के पापा शिंगू दयाल जी अग्रवाल जो चीचड़ोली के रहने वाले हैं। तो हां, मैं विशन दयाल अग्रवाल जी आपसे पूछ रहा था कि आपका अनुभव कैसा रहा सीएलसी में, आपके बच्चे मतलब लिस्ट बहुत लंबी है आईआईटी दिल्ली से लेकर एसएमएस जयपुर से लेकर तमाम बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा सीएलसी का जरा थोड़ा बताएंगे आप। सर्वप्रथम जैसे ही मैं 2012 के अंदर बच्चों का सीनियर क्लास से पास हुआ तो इनको लेकर के मामा जी जो आशीष के मामा जी हैं मेरे पास में बैठे हैं, इनको साथ लेकर के हम बहुत से मिलने गए, बहुत से मिले तो हमारे को एक आत्मिक स्नेह जो मिलता है उनसे वो मिला। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप हमारे पास छोड़ करके जाइए, निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी भी हमारी बेटी है, हम बेटी की तरह ही इनको रखते हैं। तो हम दोनों ही गए थे, मेरा मैं एक बार वापस आकर के 2 दिन बाद में करवाने का विचार था, लेकिन मामा जी का विचार था कि नहीं आज ही करवा के जाएंगे। हमने उनको एडमिशन के लिए करवा दिया, फिर उनको छोड़ करके आए, साथ में आशीष कुमार को भी वहां छोड़ के आए। तो परिवार की तरह सीएलसी एक परिवार है, और परिवार क्या है, विश्वास का नाम सीएलसी है। आपसे मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चों को जब भेजना चाहिए सीएलसी के अंदर निश्चिंत होकर के भेजें, कोई वहां पर कोई परेशानी नहीं है, बच्चों को मोटिवेशन भी बहुत अच्छे तरह दिया जाता है और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। धन्यवाद सर। शिंगू दयाल जी अग्रवाल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, आप बच्चों के मामा जी हैं, अंशु और आशीष के मामा हैं, वर्षा के पापा हैं, निखिल के पापा हैं, तनिषा के पापा हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा, आप तो सीएलसी से बहुत जुड़े हुए, आप तो हर फंक्शन में सीएलसी के आते हैं।
उस टाइम जब हंस बिटिया पास हुई थी उसके लेके अभी तक सीएलसी का ऐसा कोई भी वार्षिक उत्सव नहीं गया जिसमें मैंने बोस के हाथ से साफा पहना हो। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि हर साल एक बच्चा पास होता है हमारे परिवार का और मैं बोस से साफा पहन के आता। हर साल एक बच्चा सिलेक्ट होता है अच्छी रैंक के साथ अच्छे कॉलेज में और हर साल साहब को निमंत्रण दिया जाता है और बॉस मुझे साफा पहनाते हैं, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। अब मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं आशीष अग्रवाल जो कि सीएलसी से पास आउट है। आशीष, जब आप सीएलसी में पढ़ते थे जी, तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपने सीएलसी को कैसे चुना? जय सीएलसी। सबसे पहले मैं जब 2012 में गया था सीकर, उसका जाने का कारण तो यही था कि ऑलरेडी एक साल से मेरी सिस्टर अंशु अग्रवाल वहां पे पढ़ रही थी, तो उसका जो एक साल का एक्सपीरियंस था वो उसमें हमें बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस उस टाइम पे हुए। वहाँ का सीएलसी का स्टाफ मेंबर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ में बॉस का मोटिवेशन, रात को होने वाली असेंबली, नाइट कैंप्स और बॉस का एक पिता की तरह का जो प्यार, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके आप उनसे मिल सकते हैं और तुरंत आपकी समस्या का समाधान वहाँ पे हो जाता है, तो ये जो सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली और वहाँ का जो वातावरण था वो भी जो साथ में रहने वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, एक पॉजिटिव वातावरण वहाँ पे देखने को मिला और उस वजह से हमारा जो भी वहाँ का एकदम इजी वे में एकदम स्टडी हो सकी बिना किसी स्ट्रेस के। हम सब लोग आराम से उस, मेरे बाद भी मेरे बाकी के भाई बहन वहाँ गए तो एक बहुत अच्छा हमें अनुभव रहा वहाँ का। मतलब शुरुआत आशीष ने की और उसके बाद लाइन लगी, ऐसा ही अंशु ने फरी इनकी बड़ी बहन अंशु अग्रवाल ने शुरुआत की सीएलसी से सिलेक्ट होने की। उसके बाद तो इनके सारे छोटे भाई बहन सीएलसी से पास आउट होते गए और डॉक्टर इंजीनियर बनते गए। क्यों आपको कभी बॉस से डांट पड़ी है? हाँ, बॉस से मतलब ऐसा होता था कि कभी कभी बॉस ऐसे मजाक में सेठ जी बोल के बोल देते थे कि सेठ जी ये नहीं करना है ये करना है, बाकी बॉस के साथ हमेशा एक अच्छा अनुभव रहा है मेरा। अच्छा अनुभव रहा जी। हाँ, प्यार वाली डांट थी। अब मैं वर्षा अग्रवाल से पूछना चाहूंगा, काफी देर से चुप बैठी है वर्षा अग्रवाल। वर्षा अग्रवाल का सपना था कि उन्हें राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज मिले और वो उन्हें मिला क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक कड़ी मेहनत की। तो वर्षा, आपका अनुभव कैसा रहा सीएलसी का? आपने सीएलसी में कितने साल गुजारे? एक साल आपने सीएलसी में गुजारा, कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा सीएलसी का जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा रहा था। मैं सीएलसी के अंदर 12th के अंदर गई थी नीट के लिए, फाउंडेशन कोर्स करने के लिए। जब मैं गई थी तो मई चल रहा था ऑलरेडी और 12th क्लास का ऑलरेडी आधा सिलेबस हो चुका था। उसके बाद मैंने सीएलसी ज्वाइन किया था तो जो मेरे माइनर्स थे उनमें तो मेरा काफी अच्छा रहा था, बट पीछे वाला जो सिलेबस था वो थोड़ा पीछे था बिकॉज वो मैंने नहीं अटेंड किया था वहाँ पे। तो उसके लिए फिर जाके मैंने जब बॉस को बोला तो फिर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी एंड टीचिंग स्टाफ ने भी काफ़ी हेल्प करी, उन्होंने अलग से फिर से सिलेबस रिपीट भी करवाया और क्लासेस भी लगवाए। एंड उसके बाद में जब हमारे जब सिलेबस ख़त्म हो गया था तो KVPY के बाद में हमारे फिर से भी क्लासेस लगवाए ताकि मेरा जो 11th का था वो कवर अप हो सके। एंड फिर हमारी मिड सेशन चली थी दिसंबर और जनवरी में जो काफ़ी अच्छी रही थी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। और डेली 2 दिन छोड़ के हमारे टेस्ट होते थे, उसके बाद में टेस्ट का सोल्यूशन होते थे अच्छे से। एंड फिर हमारे जो बोर्ड थे उसके लिए भी साथ में क्लासेस चलती थी तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके लिए भी अलग से टेस्ट सीरीज चलाई थी। एंड बोर्ड जैसे ख़त्म हुए उसके लिए बाद में अलग से हमारे लिए टेस्ट सीरीज भी चलाई और नीट तक हमारा अच्छे से ध्यान रखा। और हॉस्टल में मैं रहती थी तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एकदम ऐसे। मैं सबसे पहली बार घर से बाहर रहने के लिए गई थी बट मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ पाई और एक साल तक मैंने काफ़ी मेहनत करी और उसमें काफ़ी सीएलसी का सपोर्ट रहा, अदरवाइज मेरी रैंक नहीं आ गई। अब मैं मिलाना चाहूँगा आशीष और अंशु की मम्मी जी, ये भी कई बार सीएलसी आई हैं बच्चों से मिलने, बच्चों को संभालने, आपका अनुभव कैसा रहा सीएलसी का बताएं? शुरू में गई थे बच्चे तब तो चिंता रहती थोड़ी बहुत कि बच्चे कैसे रहेंगे कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, ऐसे माँ तो चिंता तो रहती है बच्चों की। बाद में जो सीएलसी में देखा मैंने जाकर वहाँ पे खाना भी अच्छा था और बच्चों को मोटिवेट भी अच्छा मिला और बॉस ने भी खूब अच्छी ऐसे हेल्प करके जैसे
और सब स्टाफ वालों ने भी और बच्चों ने भी अच्छी मेहनत की। और सबसे ज्यादा तो मैं देने देती हूँ मेरे भैया यानी हंस आशीष के मामा जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा शिमुदयाल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे पहले तो इनको, बॉस को और बॉस के सभी स्टाफ वालों को, ऐसे सबसे पहले तो मामा जी का ही है। मतलब मामा जी के गाइडेंस से आप सीएलसी आए। फर्स्ट में क्या थी कि अंशु और आशीष की नानी जी थी ना, उनके कैंसर हो गई थी जी। तब उनसे मामा जी ने ये ठान ली थी कि घर का तो एक डॉक्टर होना ही चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए। ये हमेशा ये बोलते हैं, एक डॉक्टर होना चाहिए घर का, तो एक डॉक्टर। और आज आज कितनी लाइन है डॉक्टरों की, मुझे थोड़ा बताएंगे आप? आज तो खूब, ऐसे मान लो कि इनके भाई बहनों के सबके बच्चे डॉक्टर बन गए, सबके बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। मतलब हाथों की उंगलियां कम पड़ जाती हैं दोस्तों ये होता है विश्वास। बिल्कुल, विश्वास का नाम ही सीएलसी है। आप जो भी गार्जियन सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? शिमुदयाल जी, आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे जो सुन रहे हैं आज? वही जो सर कह रहे हैं कि उंगलियां कम पड़ जाती हैं हमारे घर में डॉक्टर बनने के लिए, वो सही बात है। और आने वाली पीढ़ी में मुझे लग रहा है कि हमारे पूरे परिवार में ही डॉक्टर होंगे। जी जी जी, इसीलिए आपने सीएलसी को चुना और सीएलसी आपके विश्वास में खरी उतरी। जी मैं हृदय से आभारी हूँ सीएलसी परिवार का, जिन्होंने हमारे इतने बच्चों का, जिन्होंने जैसा सर ने बताया, सर ने परिचय करवाया, वो तो सिलेक्शन हो ही गए। साथ ही आज के वक्त भी 5 या 6 बच्चे हमारे और पढ़ रहे हैं वहां पर, और उनका भी रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारे को ऐसा मिलता है कि जल्दी हमारे को खुशखबरी मिलेगी, और ऐसा हम आपसे विश्वास भी रखते हैं। सीएलसी के लिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा, जब कोरोना काल चल रहा था, सभी कोचिंगें बंद थी, बच्चे कहीं आ नहीं रहे थे, कहीं जा नहीं रहे थे, जब मेरा बेटा निखिल अग्रवाल आईआईटी की तैयारी कर रहा था और सीएलसी को बीच में छोड़ पे घर पे आ गया था साहिल सर, उस कोरोना काल में भी हमारे घर पे 2 बार घर पे आए, बच्चे के लिए नोट्स लेके आए, जब बच्चे का सिलेक्शन हुआ था तो घर पे आए, मिठाई लेके आए, घर पे पटाखे छटाए। मतलब इतनी अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जिस कोरोना काल में कोई भी दूसरे घर में नहीं जाए, उस घर में साहिल सर हमारे घर पे आए, सीकर से चल के चीजरौली गांव में आए, गांव में बच्चे को मोटिवेट किया, बच्चे के लिए नोट्स लेके आए, और उसको इतना अच्छा लगा और हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है सीएलसी के। मैं सीएलसी टीम और श्रवण जी चौधरी और पूरे स्टाफ का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे दोनों बच्चों का, बच्ची का, इनका सिलेक्शन करवाया, और हृदय से आभार। जय सीएलसी। मैं सीएलसी के डायरेक्टर श्रवण जी चौधरी का बहुत ही आभारी और धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे 3, 2 बेटी 1 बेटा है, तो सभी 2 डॉक्टर एक इंजीनियर बन चुके हैं, इसके लिए मैं सीएलसी का बहुत बहुत आभारी। थैंक यू बॉस, थैंक यू टीम सीएलसी, थैंक यू उन टीचर्स को जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इतना अच्छा माहौल दिया जिसमें मैं पढ़ सकी। और मैं सभी जो नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को बोलना चाहूंगी कि वो सीएलसी को ज्वाइन करें, क्योंकि सीएलसी एक बहुत अच्छी संस्था है। थैंक यू बॉस, थैंक यू टीम सीएलसी। तो दोस्तों आपने सुना विशन दयाल अग्रवाल जी को, शुंभु दयाल अग्रवाल जी को, आशीष अग्रवाल को, वर्षा अग्रवाल को और आशीष की मम्मी को। इनका अनुभव आपने सुना, सीएलसी का अनुभव इनके कैसे रहे, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय सीएलसी, जय सीएलसी, थैंक यू।